हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो, नाम रिपीट ना हो, इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। आज भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारे श्री रंजीत गौड़ जी और जमीनी स्तर की टीम लगातार संघर्ष कर रही। दोस्तों, आप भी सहयोग कर रहे हैं, सभी के साथ से सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, भिंड 20/10/2022 का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर हम खबर देखेंगे तो हमारी जमीनी स्तर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। शिक्षित बेरोजगार युवा संघ के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जो प्रमुख मांगे रखी गई हैं वो आपको जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे, शिक्षित बेरोजगार युवा संघ के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा संघ के सदस्यों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ADM प्रवीण फुलपगरे को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान संघ के सदस्यों ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है, वे पुनः दूसरी काउंसलिंग में अपने दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग निरस्त की जाए। दोस्तों, और ये बात मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई थी कि आपकी वर्ग एक और वर्ग दो की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जनजाति विभाग के चयनित अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे हैं। इसमें आपको मैंने पूरा विश्लेषण बताया था। तो दोस्तों, हमारी जमीनी स्तर की टीम ने ये बात भी प्रमुखता से रखी है कि जो सदस्य ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों की नियुक्ति हो गई वे पुनः दूसरी काउंसलिंग में अपने दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग निरस्त की जाए जिससे नए लोगों को मौका मिले सके। वहीं माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिंदी भाषा और सामाजिक विज्ञान व गणित आदि विषय में संपूर्ण बैकलॉग और रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती की जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है, यदि वे पुनः आवेदन करें और नौकरी छोड़ते हैं तो 5 लाख का बॉन्ड सरकार में जमा कराया जाए। वही भर्ती प्रक्रिया की दूसरी काउंसलिंग में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जिनकी अभी तक एक बार भी नियुक्ति नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से कई आवेदक गलत दस्तावेज लगाकर नौकरी प्राप्त करने की सोच रहे हैं, उनके दस्तावेजों की जांच कराई जाए। तो दोस्तों, ये भी जो है मांग बहुत बड़ी है कि आपके चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात करूं, दिव्यांग प्रमाण पत्र की बात करूं, वह या फिर और अन्य प्रमाण पत्र की बात करूँ, जो रिजर्वेशन संबंधी प्रमाण पत्र होते हैं, वो भी यदि गलत लगाए जा रहे हैं, फर्जी बनवाए जा रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी मांग प्रमुखता से रखी गई है। जो उस रिजर्वेशन में आता है और सही है, उसे ही ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पर आगे देखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति शिक्षा विभाग की संयुक्त काउंसलिंग की जा रही, उसमें चयनित सूची और प्रतीक्षा सूची दुगनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे दुगने नाम शामिल करने चाहिए दोनों ही सूची में, तभी लाभ मिलेगा। और जो अभी पद हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं, वो पूरे भरे होने चाहिए। इसके आगे देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग में जितने भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके स्तर पर नई शिक्षक नीति के तहत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और उसके हिसाब से अस्थायी व्यवस्था की जगह स्थायी व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अतिथि शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं वो पद खाली हैं, उस पर नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाए जिससे कि सभी को लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि अतिथि शिक्षक भी अच्छे नंबर लेके आए हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाभ मिलेगा, नियमित शिक्षक भर्ती होना चाहिए। दोस्तों, इसके आगे भर्ती प्रक्रिया में अन्य राज्य से जो भी महिलाएं शादी करके मध्य प्रदेश निवासी बन गई हैं उनके पति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो दोस्तों, ये भी एक मांग प्रमुखता से रखी गई है कि जो भी हमारी बहनें हैं जो अदर राज्य की और मध्य प्रदेश में शादी कर आई हैं, उन्हें भी जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, क्योंकि वो अब यहीं की मूल निवासी हैं और शादी के बाद जो है वो यहीं पर रहने वाली हैं, तो जो उनका जो रिजर्वेशन है वो इसी आधार पर दिया जाए। इसमें दोस्तों आप देखेंगे जो हमारी जमीनी स्तर की टीम है उनके यहाँ पर नाम आए हुए हैं। इस मौके पर अध्यक्ष एसएन गौतम, शैलेंद्र कुमार, कुमार सिंह, जल सिंह, अरविंद, कमल सिंह, अमन शर्मा जी, चंद्रभूषण जी, तेज सिंह जी और सोनवीर लहरी आदि मौजूद थे। तो ये हमारी जो जमीनी स्तर की टीम है उन्हें दिल से धन्यवाद कि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों और हर एक मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सभी को भी दिल से धन्यवाद कि आप भी सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारी टीम है, जो हमारे श्री रंजीत कौर जी हैं, आज भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन है, सभी लोग प्रयासरत हैं और सभी का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।